हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे यूवीआर 2 के पैकेज 2 का। अभी हमारी जो लोकेशन है ये है 26 किलोमीटर एनएच 44 से। जब हम यूवीआर 2 पर चलना शुरू करेंगे और द्वारका की साइड जाते हुए 26 किलोमीटर का जो पॉइंट आएगा वहाँ ये लोकेशन आएगी, जहाँ से बहादुरगढ़ पर के लिए हम आया जा सकते हैं। ये सामने जो फ्लाईओवर्स दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट है। आपको यहाँ से लेके हम दिल्ली रोहतक रोड तक का अपडेट दिखाएंगे इस वीडियो में। इस इंटरसेक्शन का भी अपडेट हमें देखना है। यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर है इसमें दो स्पैन का काम बचा हुआ था, जिसमें मैंने दिखाया था गर्डर्स इसमें लगा दिए गए थे, उस टाइम इसमें लगाए जा रहे थे, ये लगाए जा चुके हैं। अभी डेक स्लैब का काम इसमें नहीं हुआ है। दूसरी साइड वाला जो फ्लाईओवर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें भी यही पार्ट बचा हुआ था, दो इसमें डेक स्लैब दो स्पैन बचे हुए थे उसमें, वो हो गया है। यहाँ पर इसमें काम किया जाना है। उसके बाद ये जो है सर्विस रोड है जो दिखाई दे रहा है, ये काम में आएगा जो लोग बहादुरगढ़ से आएंगे और जिन्हें मुंडका की साइड जाना या इस आसपास के एरिया में कहीं जाना है तो उसके लिए ये काम में आएगा। द्वारका की साइड अगर जाना होगा तो ये फ्लाईओवर ही काम में आएंगे और यहीं से फ्लाईओवर को इस्तेमाल करते हुए द्वारका की साइड जा सकेंगे। अभी यहाँ जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल काफ़ी इस्तेमाल में आ रहा है, इवन गूगल मैप भी यहीं से वो ट्रैफिक को ले जा रहा है। ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लोग सीधे चले जाते हैं नजफगढ़ की साइड या बापड़ोला की साइड होते हुए, और यहाँ से अगर मुंडका की साइड जाना है तो हम जा सकते हैं आसानी से सर्विस रोड से होते हुए। मेडल के जो कैरिज वे है ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये भी कंप्लीट नहीं है, जो इसका ये सर्विस रोड है इसे इस्तेमाल करना है और हम यहाँ से मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया स्टेशन तक जा सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ देखिए मेडल के जो कैरिज वे है ये बिल्कुल कंप्लीट है, डीबीएम इन पे किया जा चुका है, फाइनल लेयर अभी नहीं हुई है, फाइनल के बाद में ही इसमें लेन मार्किंग भी की जाती है। पैकेज 2 में कहीं लेन मार्किंग भी मैंने नहीं देखी है। और जो ये सर्विस रोड है लेफ्ट वाला, इसमें भी यहाँ पे डीबीएम हो चुका है लेकिन मिट्टी ज्यादा है इसलिए वो कलर इसका चेंज हो गया। यहाँ पर यहाँ देखिए गर्डर्स बना के रखे हुए राइट हैंड साइड पे, ये एक व्हीकल अंडर पास है यहाँ पर जो कि बापड़ोला को कनेक्ट करता है हिरन कूदना की साइड जाने के लिए। यहाँ से आगे चलते हैं NH 10 की साइड, मतलब दिल्ली रोहतक रोड की साइड में। यहाँ आप दोनों साइड देख सकते हैं ड्रेनेज का काम तो यहाँ कंप्लीट किया जा चुका है पहले ही, अब ये जो सर्विस रोड्स है इन्हें फाइनल किया जाना है। यहाँ पर इनमें अभी काम बचा हुआ है फाइनल सिर्फ डीबीएम का। उसके बाद में एक और यहाँ पे है व्हीकल अंडरपास जो यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया गया था, यहाँ पे एक ड्रेन है छोटी उसके लिए, और यही कुछ हिस्सा है जो कि अभी सर्विस रोड के लिए पक्का नहीं किया गया था, सब ग्रेडिंग भी उसमें नहीं की गई थी, आज उसमें काम होता हुआ दिखाई देगा आपको। देखिए यहाँ पर सब ग्रेडिंग के लेयर्स तैयार की जा रही हैं इसे प्लेन करके, तो ये काम भी यहाँ जल्दी हो जाना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हम जा सकते हैं अलीपुर की साइड NH 44, लगभग 25 किलोमीटर है यहाँ से NH 44। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्विस रोड है यहाँ पर भी काफी गर्डर्स बनाए गए थे, अब यहाँ कुछ पीस आपको दिखाई देंगे, बाकी यहाँ से ले जाए जा चुके हैं। जो मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर ब्रिज है उसमें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है गर्डर्स की, तो इन्होंने काफी अच्छी मात्रा में इन्हें यहाँ बना लिया था पहले ही, तो इसलिए उसमें भी काम अब काफी अच्छे से तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो फ्लाईओवर हम वहां से देखते आ रहे हैं वो फ्लाईओवर यहाँ जाके एंड होगा लोकनायकपुरम के पास में, यहाँ इसके रैंप को बनाने का काम अभी हो रहा है कास्टिंग यार्ड को डेमोलिश करके। राइट हैंड साइड पे आपको जो फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं ये लोकनायकपुरम है,
और यहाँ ये इसका रैम्प बनेगा और यहीं से आगे था इसका कास्टिंग यार्ड केसीसी कंपनी का, और अब उसे डेमोलिश किया जा रहा है। अब इसका व्यू दूसरी साइड से ये देखिए, यहाँ ये रैम्प बनाया जा रहा है, ये सीएनजी पंप के बिल्कुल सामने का पार्ट है ये। यहाँ आरी वॉल लगाई गई है और काम अभी काफी तेज तो नहीं है क्योंकि कई महीने से ये लगभग इसी हालत में यहाँ दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से भी काम स्लो हो जाते हैं, लेकिन इसमें काम ये लगा लो अगले कुछ महीने में काम में तेजी इसमें आएगी, क्योंकि ये जब इनका प्लांट जो था ये भी यहाँ से हटा दिया जा चुका होगा बिल्कुल। ये देखिए आरी वॉल यहाँ लगा के मिट्टी डाली गई है, मिट्टी को भी सेट होने के लिए टाइम दिया जाता है कि तसल्ली से बिल्कुल वो मिट्टी सेट हो जाए। तो बारिश तो इसमें काफी फायदेमंद है इनको, जो ये फिलिंग की है मिट्टी की तो इनको काफी फायदा मिला है बारिश से। ये सामने है लोकनायक पदम, ये छोटे फ्लैट्स हैं, ये तो 15-20 साल से हम देख रहे हैं ऐसी ही हालत में है। नए फ्लैट्स हैं, ये भी अलॉट होने हैं पब्लिक को। यहाँ देखिए इनका कास्टिंग यार्ड, यहाँ गर्डर्स बनाए जाते थे और अब ये यहाँ से खाली किया जा चुका है और इसे अब डेमोलिश किया जा रहा है। जब यूईआर 2 को डीडीए ने बनाया था तो यहाँ तक उन्होंने बना के दिया था ये, उसके बाद एक नाला होता था और नाले तक ही ये बना हुआ था, लगभग लगा लो कि दिल्ली रोहतक रोड से 3 किलोमीटर तक। इनका व्यू बड़ा अच्छा था ये देखिए, अगर मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ काम आता होता तो ये फ्लैट्स मैं आपको जरूर बिकवाता, लोकेशन की बड़ी अच्छी लगती है मुझे। लेकिन वही है कि डीडीए इतना अच्छा मैनेज नहीं करता है, अगर किसी प्राइवेट बिल्डर को ऐसी लोकेशन दे दी जाए वो तो बड़ी अच्छी सेल्स पिच के साथ इस लोकेशन को अभी तक बेच के और आराम से बैठे होते। डीडीए तो ये लगा लो कि जगह की वैल्यू नहीं रखता है। यहाँ देखिए भी गर्डर्स यहाँ कुछ बचे हुए हैं, तो अपने हिसाब से जहाँ इनको नीड होगी तो ले जाएंगे। मैंने देखा था कुछ गर्डर्स को देखे यहीं पे ही क्रश भी कर रहे थे, हो सकता है गलत बन गए हुए, ज्यादा बन गए हो। ये राइट हैंड साइड पे देखिए कितना रश है, क्योंकि बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब यूईआर 2 को। मुड़का में जाम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है पानी की वजह से, तो लोग अब काफ़ी लोग हैं ना उस जाम से बचने के लिए यहीं से निकलने लगे। बेशक थोड़ा लंबा उन्हें पड़ जाता हो लेकिन यहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। देखिए यहाँ से लोग निकलते हैं मुंडका में, ये लगा लो कि इसको क्रॉस करने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं मुंडका को, तो लोग उसमें उससे बचने के लिए जाम से यहाँ से निकलने लगे। यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे लोकनायकपुरम के अंदर और अंदर की हम सड़कों को इस्तेमाल करते हुए लगभग 2 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे नांगली नजफगढ़ रोड पे, तो वहाँ से फिर हम दाएं बाएं अपने हिसाब से जा सकते हैं। ये देखिए सब ये लोकनायकपुरम है और यहीं से हम होते हुए जा सकते हैं नांगली नजफगढ़ रोड तक। और ये इसके सामने कास्टिंग यार्ड, जहाँ पर हमें अब वेट है कि ये कास्टिंग यार्ड बिल्कुल प्लेन कर दिया जाएगा और यहाँ पर यूईआर 2 के चारों कैरिज वे, 2 सर्विस रोड के और 2 मेन कैरिज वे के यहाँ बनाए जाएंगे। काम में तेजी है, देखिए ये मलबा भी यहाँ उठाया जा रहा है। ये देखिए तो यूईआर 2 में पैकेज 2 का ये अपडेट है आपको बहादुरगढ़ इंटरसेक्शन से लेके, बहादुरगढ़ स्पर के इंटरसेक्शन से लेके और मुंडका रेलवे ओवरब्रिज तक का, वो मैं आपको व्यू अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम चलते हैं दिल्ली रोहतक रोड की साइड में, ये मैं आपको ड्राइव व्यू दिखाता हूँ। ये पार्ट बिल्कुल तैयार है और लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि लोग जाम से बचने के लिए इसे यूज करने लगे हैं। ये टोल प्लाजा की लोकेशन आ गई है, टोल प्लाजा बनाने की तैयारी यहाँ हो रही है लगातार, तो ये भी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ टोल लगना शुरू हो जाएगा।
यहीं से शुरू होता है फ्लाईओवर, जो कि ये वाला फ्लाईओवर जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दिया, यहाँ से शुरू होगा ये फ्लाईओवर और ये एंड होगा दिल्ली रोहतक रोड को क्रॉस करेगा, उसके दिल्ली रोहतक वाली रेलवे लाइन है उसे क्रॉस करेगा और उसके रसूलपुर गांव के पास में ये डाउन आ जाएगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। इसमें ये लगा लो कि स्टेशन के पास तक हम पहुंचते हैं तो इसमें सब काम इसके कंप्लीट है, सिर्फ दिल्ली रोहतक रोड के ऊपर जो टैक्स स्लैब का काम होना है वो अभी बचा हुआ है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले गर्डर्स रखे गए थे दिल्ली रोहतक रोड के ऊपर पीरागढ़ी से रोहतक की साइड जाते हुए। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिखाई दे रहे हैं ये भी कुछ दिन पहले ही लगाए गए हैं और क्रेन्स यहीं खड़ी है, तो इसके बाद वाला पार्ट जो है दूसरे वाला ये भी अब आने वाले हफ्ते में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ये मैं आपको वीडियो अपडेट दूंगा इसका। स्टेशन के दूसरी साइड वेस्ट वाली साइड यहाँ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन ये भी लगा लो कि 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी से बना देंगे ये। हम पहुँच गए इसके बाद मोंडका रेलवे ओवरब्रिज। कुछ दिन पहले मैंने आपका व्यू इसका इस एरिया का व्यू दिखाया था, गर्डर्स यहाँ लगाए जा चुके थे आए दिन वाले। उसके बाद में इनमें जो काम किया गया है, इनमें काम किया है क्रॉस गर्डर्स लगाने का, इन्हें आपस में ज्वाइन किया जाता है सबको। उसके बाद यहाँ डेक स्लैब का काम शुरू होगा इस वाले हिस्से में। और यहाँ देखिए दूसरे ये वाला जो मैंने दिखाया था पिलर कैप, इसमें देखिए पेडेस्टल के ऊपर बेयरिंग प्लेट लगाई जा चुकी है। ये देखिए अब यहाँ भी जल्दी ही गर्डर्स को सेट किया जाएगा इस वाले पार्ट में। तो ये अपडेट था UER2 के पैकेज 2 का, आपको इसके अपडेट जल्दी ही देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।